डी ट्रिपल एस बी स्टूडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे टीजीटी कंप्यूटर साइंस या फिर बाकी के डी ट्रिपल एस बी एग्जाम्स में आपको क्या तुक्के मारने हैं, मतलब गैस वर्किंग करनी चाहिए या नहीं। तो जो ये बच्चे सोच रहे हैं वीडियो देखने से पहले कि उनको तुक्का मारना सिखाया जा रहा है, तो वो वीडियो यहीं छोड़ के जा सकता है, ठीक है। तो इसमें हम लॉजिकल अप्रोच की बात करेंगे। तो दोस्तों, जो 1 तारीख को एग्ज़ाम हुआ है, तो काफ़ी बच्चों ने रिव्यू वगैरह देख लिए होंगे और उनको भी पता चल गया होगा कि कट ऑफ एक्सपेक्टेड कहाँ जा रही है और पेपर का लेवल कहाँ तक आ रहा है, ठीक है। और बच्चों को खुद भी पता होता है कि उन्होंने कितनी तैयारी की है और किस हिसाब से उनका लेवल है, ठीक है। तो उन सब बातों को साइड में रख के देखा जाए तो पहली बात तो ये कि ये चीज़ गलत है तुक्के मारना, ठीक है। लेकिन आज के टाइम में रिस्क लेना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसका हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं। तो अराउंड 120, ठीक है, 120 मार्क्स के आसपास आपकी कट ऑफ बैठेगी। जो अगर 1 तारीख का हम पेपर का एनालिसिस करें तो 115 से 120 या फिर 125, ठीक है, 115 से 125 के आसपास जो है बच्चा अपना डीवी और सिलेक्शन की उम्मीद रख सकता है, ठीक है। तो अगर दोस्तों आपके बाई चांस मान ले जाएँ कि आपका जैसे 100 के आसपास या फिर 105 के आसपास आपने सही कर लिया है और आपके पास टाइम कम है या फिर आपका पेपर ख़त्म होने वाला है, तो आप उस चीज़ में रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप 100 नंबर या फिर 105 पर पेपर छोड़ेंगे तो एक तरीके से टेक्निकली आप वैसे ही बाहर हो गए हैं, तो आपको रिस्क लेना बिल्कुल चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि अगर आप 4 क्वेश्चन करेंगे, कोई एक गलत होगा या फिर 4 गलत होंगे, तब आपका एक मार्क्स कटेगा, ठीक है। तो आपको एडिशनल बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ तभी एप्लीकेबल है जब आपके 105 मार्क्स करीब 100 मार्क्स आ चुके हैं, क्योंकि आपको उस टाइम पे अगर पेपर छोड़ा तो आप तो वैसे ही बाहर हो जाएंगे, तो आपको रिस्क लेना चाहिए, ठीक है। तो और जो बच्चे पहले ही शुरू से बैठते ही सोचते हैं कि हमको सीधा गैस वर्किंग करनी है, तो वो चीज़ बिल्कुल भी ना करें, वो आपके लिए हानिकारक है, ठीक है। तो जो भी बच्चे हैं वो अगर आप कट ऑफ के आसपास पहुंचकर आपका लगता है कि अब आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे या फिर आपका टाइम ख़त्म हो रहा है या फिर कुछ भी रीज़न हो सकता है, तो आप उस चीज़ में आप ज़रूर रिस्क लीजिए, अपने रिस्क पर ले सकते हैं, ठीक है। अगर पर्सनली मैं अपनी तरफ से बात करूँ तो अगर मैं आपके जगह होता तो मैं तो पक्का रिस्क लेता, ठीक है। क्योंकि अगर वैसे ही अगर 105 मार्क्स पे पेपर छोड़ना, तो एक तरीके से वैसे ही सिलेक्शन से बाहर होना होता। अगर मैं पेपर दे रहा होता तो आराम से रिस्क लेता, और जितने भी क्वेश्चन लगते उतना रिस्क लिया जा सकता, ठीक है। तो आप भी अपने रिस्क पर ले सकते हैं, कोई एडवाइस नहीं दी जा रही आपको। बस कुछ बच्चे पूछते हैं कि तुक्के कैसे मारने चाहिए, फिर गैस कैसे करना चाहिए। तो दोस्तों, ये आप पहले सीधा गैसिंग ना शुरू करें जब पेपर में बैठते ही। हाँ, आपको लगे कि आपने 100 क्वेश्चन 105 करीब ठीक कर लिए और आपसे आगे क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, तब आप रिस्क ले सकते हैं। ये सलाह बिल्कुल भी नहीं दी जा रही है कि आप पहले मिनट से ही आप ये सब चीज़ें शुरू करें, ठीक है। और बाकी जो है आपका एग्ज़ाम, बच्चे को लेवल पता होता है उसका खुद का लेवल, कि उसने कितनी पढ़ाई करी है नहीं करी। जिसने कुछ भी नहीं पढ़ाई करी है वो तो सीधा पहली मिनट से ये काम करेगा, तो वो तो 100-200 में से 200 क्वेश्चन भी कर देगा, ठीक है। तो उसका कुछ बिगड़ना है नहीं। तो लेकिन जिन्होंने अच्छी तैयारी की है, डेडिकेटेड होके करी है, उसके बावजूद उनके 100 मार्क्स या फिर 105 मार्क्स पर अटक जाते हैं, वो तो उस सिचुएशन में वो रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। तो आप अपना एग्ज़ाम्स अच्छे से दीजिए। ये चीज़ बहुत बाद की बात है, आप पहले जितना सही आता है आपको उतना करिए। अगर आपका बाई चांस आपको लगता है कि आप कट ऑफ से थोड़ा सा पीछे रह जाएंगे, तब रिस्क लीजिए, अदरवाइज़ आपको रिस्क लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप 125 मार्क्स वैसे ही क्रॉस कर रहे हैं तो आपको रिस्क लेने की ज़रूरत ही नहीं है, आपका वैसे ही सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर वीडियो ज़रूर बनाई जाएगी। और डी ट्रिपल एस बी के सारे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।